हरिओम। श्री कंठकूप पाषाण पूजन श्री वरदा चंडिका प्रसन्नसो के उपलक्ष्य में प्रथम कंठकूप पाषाण पूजन सद्गुरु श्री अनिरुद्ध जी नंदाई और सुचित दादा ने 16 दिसंबर 2010 को श्री हरिगुरुग्राम में किया। उसके बाद बापू के द्वारा दिग्दर्शित विधि विधान के अनुसार सभी श्रद्धावानों ने अपने घर में श्रद्धापूर्वक कंठकूप पाषाणों का पूजन किया। इन कंठकूप पाषाणों को बापू के मार्गदर्शन के अनुसार विशिष्ट उपासना के द्वारा गुरुकुल जुईनगर में सिद्ध किया गया था। श्री कंठकूप पाषाण के रूप में माँ चंडिका हमारे घर पधारेंगी और उनके चरण स्पर्श से हमारा घर हमारा जीवन पावन होगा। इस श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रद्धावानों ने अपने घर में श्री कंठकूप पाषाण पूजन किया। श्रद्धावानों ने पवित्र आसन के बीचों बीच गेहूं की राशि रचकर उस पर श्री कंठकूप पाषाण को विराजमान किया। आदि माता चंडिका और उनके साथ श्रद्धावान का वेश पहने सद्गुरु यह प्रतिमा श्री कंठकूप पाषाण के पीछे स्थापित की गई। श्रद्धावानों ने मनचाही सजावट भी की थी। इस पूजन में श्रद्धावानों ने सद्गुरु अनिरुद्ध बापू के द्वारा बताए गए विभिन्न मंत्रों का जाप करते हुए विभिन्न उपचार अर्पण किए और श्री आदिमाता चंडिका का सुंदर वत्सल चेहरा श्री कंठकूप पाषाण पर रेखांकित किया। इस प्रेम भाव से कि मानो वहां पर स्वयं माँ चंडिका ही अवतरित हो रही है। चंडिका पुत्र के साथ माँ चंडिका के घर पधारने का आनंद श्रद्धावानों ने खूब नाच गाकर गजर करते हुए मनाया। अंत में सद्गुरु श्री अनिरुद्ध जी के द्वारा विरचित माँ चंडिका की आरती सबने की। बापू के निरपेक्ष प्रेम के कारण ही
हमें आज माँ चंडिका का पूजन यानी श्री कंटकूप पाषाण पूजन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कृतज्ञता से हर एक श्रद्धावान के मन में यही भाव था, बापू मैं अम्बज्ञ हूँ, हम अम्बज्ञ हैं।